सोनी टीवी की सीरियल मेहंदी वाला घर में शुरू हो गई है मिनी की हल्दी की रस्म। सभी घर वाले खुश हैं, लेकिन मिनी दुखी, क्योंकि मिनी विक्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और विक्की उस पर हाथ उठाता है। ये सभी घर वाले नजरअंदाज कर रहे हैं। ऐसे में जब सभी घर वाले मिनी को हल्दी लगाते हैं तो मिनी की चोटें देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी घर वालों को सच पता चल जाता है। भगवान के लिए अपना मुंह खोल और सच बताओ, वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही मान जाती रहेगी। जो मेरे होने वाले पति हैं विक्की, उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था, जिस वजह से मुझे कुछ चोटें आई हुई थी। और ये बात मेरी जो मम्मी हैं ज्योति जी, उनको पता चलती है तो वो देख लेती हैं चुपके से। और जब हल्दी की रस्म होती है तो वो जानबूझकर वहीं पर हल्दी लगाती हैं जहाँ पर चोटों के निशान हैं, जिसकी वजह से मुझे पेन होता है तो मैं पेन में थोड़ा कराहती हूँ। तो सारे घर वालों को फिर पता चल जाता है कि मेरे ऊपर विक्की ने हाथ उठाया है, और फिर उसके बाद सब मुझे सपोर्ट करते हैं। सपोर्ट तो करेंगे ही, क्योंकि मौली ने मिनी को सपोर्ट जो किया है। असल में विक्की मिनी को ब्लैकमेल कर रहा था, और ब्लैकमेल करने के साथ साथ वो उसका फायदा भी उठाना चाहता था। इससे पहले कि शादी से पहले वो मिनी की इज्जत पर हाथ डालता, वहाँ पर पहुँच जाती है मिनी की दादी और सभी घर वाले, जिनके सामने आ जाता है विक्की का सच। वैसे ये सब मुमकिन हुआ है मौली की वजह से, क्योंकि मौली ही है जिसने सही समय पर आकर ये सच सभी के सामने ला दिया। मिनी की शादी, ऐसा हुआ था हमारी फैमिली में कि मिनी की शादी तक चारों भाई रुकेंगे घर पे, तो मिनी का शादी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अभी फ़िलहाल। और उसकी शादी लगाने के पीछे पहले मौली लगी थी कि शादी करानी है, अच्छे से करानी है, पूरी जिम्मेदारी मौली ने ली थी। लेकिन बाद में ऐसा होता है कि विक्की जो मिनी के लिए लड़का है वो ठीक नहीं है, वो बहुत उसके एंगर इशूज़ हैं और अकेले में उसको प्रताड़ित करता है, मारता है। और जो मिनी घर की इज्जत बचाने के लिए डर से बताती नहीं है किसी को भी, मुझे पता चल जाता है, राहुल को पता चलता है, राहुल हेल्प करता है, बाद में रिवील होता है, मुझे पता चलता है, मतलब पूरे फैमिली में मैं सबको बताती हूँ, किसी को विश्वास नहीं होता है। बट इवेंचुअली अभी जो सीन हमने किया है मंदिर में, विक्की ने कुछ ज़्यादा ही मिनी को मिनी के ऊपर गुस्सा निकाला, उसको मारा, नाखून के दाग लगे हैं जो मौली से बर्दाश्त नहीं होता है। और मौली फिर उसको अकेले में मिलकर उसको बहुत मारती है, फिर जानकी माँ भी उसको सुनाती है, पूरी फैमिली एकजुट हो जाती है और उस लड़के को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। प्लान जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाता है, क्योंकि जानकी अक्षय चाचू जो मिनी के फादर बने हैं, उन्होंने मुझे घर में बंद कर दिया। उनके हिसाब से मिनी की शादी करानी है और उनके हिसाब से हम सब गलत बोल रहे हैं, लेकिन प्लान यही था कि मैं मंदिर जाती और आज शादी नहीं होने वाली थी, तो सब कुछ प्लान के अपोजिट होता है। बट एनीवे वो रास्ता निकालती है और पहुंच जाती है विक्की तक। हल्दी सेरेमनी का लुक है नहीं वैसे, ये महाशिवरात्रि का लुक है। हल्दी तो वहाँ पे ऐसे अनाउंस कर देते हैं कि आज ही हल्दी कर देते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए, तो ये लुक महाशिवरात्रि का है। तो ब्लू थीम है, हमारे फैमिली में एक थीम होता है हर किसी फेस्टिवल में, तो ब्लू कलर का थीम है और ये लहंगा पहना है हमने। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मिनी से मिलता जुलता लहंगा पहनूँ ताकि विक्की को कंफ्यूज कर सकूँ और उसको मार सकूँ। बैंगल है, इयररिंग है, नेकलेस है, बस दैट्स इट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें और कमेंट देके अपनी राय जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो जरूर करें, और साथ ही साथ हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम पर भी। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियां।